हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब? बस देखते ही देखते समर आ गया है। समर में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि सनलाइट जल्दी आती है और जल्दी उठने का मन भी होता है। जल्दी उठने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिल जाती है घर का कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। आज मैं किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ। बहुत टाइम से काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन देख रही थी, तो फाइनली प्राइस, लुक एंड साइज सब कुछ परफेक्ट ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है। ऑनलाइन इतने सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनमें से किचन के साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र लेना भी इजी नहीं है, राइट? ऑर्गेनाइज़र लेने से पहले किचन काउंटर टॉप का जो भी एरिया में आप ऑर्गेनाइज़र प्लेस करने चाहते हो, उस एरिया का मेजरमेंट लेके ही ऑर्गेनाइजर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना। ये ऑर्गेनाइजर असेंबल भी कुछ मिनटों में ही क्विक एंड इजीली हो गया है। ऑर्गेनाइजर के साथ डेकोर के लिए ये बोर्ड लिया है। ऐसा बोर्ड आप खुद से DIY भी कर सकते हो। और ये बास्केट ओवन के नीचे की एरिया में प्लेस करके एक्स्ट्रा कुछ किचन आइटम्स रखने के लिए लिया है। घर की क्लीनिंग इजी एंड फास्ट करने के लिए मैंने बुकी ब्रांड का कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया है। डेली कुकिंग में ऑयल यूज होती है, जिसकी वजह से किचन के चिमनी, गैस स्टोव, टाइल्स, कैबिनेट्स के आउटसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीसी हो जाती है। इनको क्लीन करने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत केमिकल्स का भी यूज़ करना पड़ता है। बदभुकी के इस हार्ड स्टेन स्प्रे एंड वाइप प्रोडक्ट को स्प्रे करके 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही रख देना है। 30 सेकेंड के बाद इसको वाइप कर देना है। स्टिकी ग्रीसी ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। आप देख सकते हैं कितने जल्दी ये क्लीन हो गया है। भूकी के इस प्रोडक्ट को सिरेमिक सिंक, स्टोव टॉप्स, किचन काउंटर टॉप, एग्जॉस्ट फैन, चिमनी, बर्नट ऑयल मार्क्स, इन सबको क्विक एंड इजीली रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये है एक प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। भूकी के प्रोडक्ट्स में है एडवांस P3 फॉर्मूला। ये हाउसहोल्ड क्लीनर की सबसे अच्छी बात है, इसमें कुछ भी हार्श केमिकल्स नहीं है, यानी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। ये है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। किचन के अलावा भूकी के इस प्रोडक्ट को घर के और बहुत सारे एरियाज में यूज कर सकते हैं, जैसे वॉल में क्रेयॉन्स, पेंसिल, मार्कर के मार्क्स। स्प्रे करने के 30 सेकेंड बाद मैंने वॉल को वाइप कर दिया है। आप देख सकते हैं वॉल कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। ऐसे ही नेल पॉलिश, लिपस्टिक के स्टबर्न मार्क्स को भी मैं क्लीन कर रही हूँ भूकी के इस प्रोडक्ट से जस्ट 60 सेकेंड में ही। भूकी प्रोडक्ट्स में यूज किया गया है ऑर्गेनिक ग्रीन एसिड, जिसके वजह से भूकी के प्रोडक्ट्स सरफेस और हमारी स्किन दोनों के लिए ही सेफ है। आद्रित ने इस व्हाइट बोर्ड में परमानेंट मार्कर यूज कर दिया था, इसको भी आज मैं क्लीन करूंगी भूकी के इस प्रोडक्ट को यूज करके। इसको स्प्रे करके मैंने 60 सेकेंड के लिए रख दिया था। बस अभी 60 सेकेंड के बाद मैं इसको वाइप कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छी है। भूकी के प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होने के कारण मैंने ये डिशवॉश भी लिया है। इसमें है 5 नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, शोपना, लेमन, ऑरेंज पील, टेमरिंड और रॉक सॉल्ट। जस्ट एक बॉल में लेना है 40 ml वाटर और ऐड करना है 1 स्पून लिक्विड। कढ़ाई में लगे हुए ये स्टेन्स, चाय के सॉस पैन, मिल्क पॉट, ये जो स्टबर्न स्टेन्स है, ये इजीली क्लीन हो जाती है इस डिशवॉश लिक्विड। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव और सिंथेटिक कलर नहीं है।
यूटेंसिल्स में नेचुरल शाइन आती है और नेचुरल फ्रेग्रेंस से रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस मिलती है। इवन यूटेंसिल्स ड्राई होने के बाद कोई व्हाइट रेजिड्यूस नहीं रहती है। रेगुलर यूटेंसिल्स क्लीन करने के अलावा इससे पूजा आइटम्स लाइक सिल्वरवेयर ब्रशवेयर भी क्लीन कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स लिक्विड ऐड करके स्क्रब करके वॉश करने से ही पूजा आइटम्स शाइनी दिखने लगते हैं। वुकी के सारे प्रोडक्ट्स हैं इको फ्रेंडली, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड और स्किन सेफ। इनको यूज करने के बाद स्किन में कोई इरिटेशन और ड्राइनेस नहीं होती है, इवन स्किन मॉइस्चराइज रहती है। घर के सारे एरियाज क्लीन होने के बाद रियली एक फ्रेशनेस फील होती है ना। अभी करना है किचन का ऑर्गेनाइजेशन। आज रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अभी डेली यूज होने वाले ऑयल डिस्पेंसर्स, कुछ कंटेनर्स, इन सबको एक साथ रख पा रही हूँ। एक लोकल शॉप से मैंने ये फूड स्टिकर्स लिया था। आप देख सकते हो स्टिकर्स में इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों में ही लिखा है। नाइफ होल्डर को कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ और इस ऑर्गेनाइजर को इसके साइड में रख रही हूँ। डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रिक केटल और मिक्सर ग्राइंडर को मैं किचन काउंटर टॉप में ही रखती हूँ, ये आपको तो पता ही है। कप होल्डर को सिंक एरिया के कैबिनेट में शिफ्ट किया है। माइक्रोवेव के नीचे ये बास्केट प्लेस कर रही हूँ और ये नैपकिन होल्डर एडेसिव होने के कारण इसको इजीली टाइल्स पे लगा सकते हैं। इसमें किचन टॉवल या कॉटन क्लॉथ रखना इजी होता है। रेगुलरली यूज होने वाला मसाला डब्बा और कुछ एक्स्ट्रा किचन क्लॉथ्स को मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है। सो फाइनली मेरा किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको ये किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।